हाय हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया सिग्नेचर डिशेस। आज की रेसिपी जो शेयर कर रही हूँ वो है बहुत ही फेमस रेसिपी जिसका नाम है पेसरट्टु विद अलम चटनी। ये दोनों अपने में ही बहुत फेमस डिशेस है ब्रेकफास्ट के लिए। इट इज़ अ परफेक्ट मील विच इज़ वेरी डिलीशियस, न्यूट्रिशियस और बहुत ही हेल्दी है क्योंकि ये ग्रीन मूंग दाल के बनते हैं और ग्रीन मूंग दाल के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो में दे रखा है, प्लीज़ वो पढ़ लीजिए। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट पेसरट्टु। अ हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी वो है पेसरट्टु। पेसरट्टु बनाने के लिए हमें लगेंगे एक कप ग्रीन मूंग दाल और 2 टेबलस्पून्स राइस। तो मैंने एक कप ग्रीन मूंग दाल है वो भिगो के रखी है और 2 टेबलस्पून्स जो राइस है वो भी मैंने भिगो के रखा है। इसको हम 5 आवर्स के लिए भिगो के रखेंगे। 5 से 6 घंटे हो चुके हैं और देखिए हमारे ग्रीन मूंग जो है वो कितने फूल के आए हैं। अभी इनको हम एक मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करके लेंगे पेस्ट के रूप में। अभी इसमें डालेंगे ये फूली हुई ग्रीन मूंग 1 कप, जो राइस लिया है वो डालेंगे, 3 जिंजर थोड़े थोड़े कट किए हुए मैंने और 1 टीस्पून जीरा और थोड़ा सा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अभी ग्राइंड करने के लिए इसमें का ही हम पानी यूज़ करेंगे, थोड़ा जो सोक किया था वही पानी थोड़ा यूज़ करेंगे। पेस्ट की तरह बनाना है लेकिन थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर भी होना चाहिए इसका, बहुत सारा पानी ना डाले, देख देख के डाले एंड सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। अभी इसको हम ग्राइंड करके लेंगे। ग्राइंड हो गया है, अभी ये बैटर ऐसा दिखना चाहिए, इस कंसिस्टेंसी का इस बैटर को होना चाहिए। अभी 15 मिनट्स को इसको रेस्ट टाइम देके इसके डोसे बनाने लेंगे। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे पेसरट्टु बनाने के लिए मैंने पैन लिया है, उस पर थोड़ा सा ऑयल डाला है। अभी इसको एक पेपर टॉवल से अच्छी तरह से पोंछ के लेंगे और अभी इसमें डालेंगे जो 15 मिनट्स के लिए रेस्ट हो रहा था हमारा बैटर पेसरट्टु का, अभी उसमें डालेंगे अ लेडल फुल ऑफ दिस बैटर। आपको थिन चाहिए तो थिन आप फैला सकते हैं, नहीं तो अगर आपको थिक चाहिए तो आप थिक भी फैला सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है, इट्स वेरी टेस्टी, हेल्दी एंड येट डिलीशियस। में इसके बेनिफिट्स जो है वो शेयर कर दूंगी क्योंकि ये ग्रीन मूंग जो है दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द हेयर्स एंड इट कंटेन्स फोलिक एसिड ऑल्सो, सो इट्स वेरी वेरी न्यूट्रिटिव। 2 मिनट्स के लिए इसको ऐसे रख के थोड़ा सा ब्राउनिश होने के बाद इसको पलट के, सी फ्रेंड्स अभी मैंने इसको पलट दिया है, कितना प्यारा सा ब्राउनिश कलर आया है इसको। ये बहुत ही टेस्टी यमी होते हैं और अलम चटनी के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं क्योंकि अलम चटनी अपने में ही एक टैंगी स्वीट एंड सार चटनी है। सो जस्ट ट्राई दिस चटनी, आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू लव इट। देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा कलर आया है इसको, इट्स लुकिंग सो सो यमी। सो लीजिए हमारे क्रीम मूंग दाल के पेसरट्टु विथ अलम चटनी इज रेडी टू डिग इन। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और अलम चटनी अपने में ही एक टैंगी स्वीट एंड सारी फ्लेवर देती है, इसलिए ये तो बहुत ही डिलीशियस होती है। ये चटनी आप एक बार बना के आपको देखना ही चाहिए बिकॉज इट्स वेरी 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 एमिलेशियस और ये डोसे भी बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी होते हैं फ्रेंड्स। सो जस्ट Like, share, comment and subscribe to my channel if you like my recipes. Do not forget to press the bell button. Okay, bye-bye. Take care.